है वो उत्तराखंड के चमोली से। भारी बारिश के बीच नेशनल हाईवे बंद हो गया। उफनती नदी की वजह से जो रोड थी वो बंद हो गई। बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कंचन गंगा में बंद हो गया है। फिलहाल जेसीबी मशीन से रोड से मलबे को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं, अब आप कहेंगे ये तो आप किसी नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो ये नदी की तस्वीर नहीं है, ये हाईवे की तस्वीर है। जब ऊपर से बादल फटता है या पानी का बहाव तेज आता है तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर मेन रोड पर आ जाते हैं, और जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ पिथौरागढ़ या ऐसे रास्तों पर जाते हैं जो दुर्गम पहाड़ियां जो कही जाती है, ये देखिए ये हाईवे है, ये हाईवे है, ये सुबह का वीडियो है, सामने आपको गाड़ी नजर आएगी। अब गाड़ी तो सोच के आई थी कि नेविगेशन में तो रोड दिखाई जा रही थी, लेकिन अब तो रोड है नहीं, तो किस पर भरोसा करें? गूगल मैप पर भरोसा करें या किस पर भरोसा करें जो सामने दिख रहा है उस पर भरोसा करें? तो ये इस ड्राइवर के साथ में हो गया। फिलहाल रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। पर है वो उत्तराखंड के चमोली से। भारी बारिश के बीच नेशनल हाईवे बंद हो गया। उफनती नदी की वजह से जो रोड थी वो बंद हो गई। बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कंचन गंगा में बंद हो गया है। फिलहाल जेसीबी मशीन से रोड से मलबे को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं, अब आप कहेंगे ये तो आप किसी नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो ये नदी की तस्वीर नहीं है, ये हाईवे की तस्वीर है। जब ऊपर से बादल फटता है या पानी का बहाव तेज आता है तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर मेन रोड पर आ जाते हैं, और जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ पिथौरागढ़ या ऐसे रास्तों पर जाते हैं जो दुर्गम पहाड़ियां जो कही जाती है, अब ये देखिए ये हाईवे है, ये हाईवे है, ये सुबह का वीडियो है, सामने आपको गाड़ी नजर आएगी। अब गाड़ी तो सोच के आई थी कि नेविगेशन में तो रोड दिखाई जा रही थी, लेकिन अब तो रोड है नहीं, तो किस पर भरोसा करें? गूगल मैप पर भरोसा करें या किस पर भरोसा करें जो सामने दिख रहा है उस पर भरोसा करें? तो ये इस ड्राइवर के साथ में हो गया। फिलहाल रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है।